हरियाणा के गृह मंत्री ने कर्मचारियों से किए हुए वायदों में से आज अपना एक और वादा निभाया है। आपको बता दें कि आज अंबाला छावनी नगर परिषद के 42 कच्चे सफाई कर्मचारी, जो कि पहले ठेकेदार द्वारा नगर परिषद में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें पेरोल के सर्टिफिकेट हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए हैं। वही कर्मचारियों ने अनिल विज का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाएं मिलेंगी। विज ने कहा कि बाकी कर्मचारियों को भी जल्दी पेरोल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पहले ये कर्मचारी ठेकेदार द्वारा अपनी सेवाएं नगर परिषद को दे रहे थे और हर महीने तनख्वाह ना मिलने की वजह से ये कर्मचारी आंदोलनों पर रहते थे। अब इन कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा अपने पेरोल पर रख लिया गया है और इनकी तनख्वाह अब नगर परिषद देगी। इससे इन कर्मचारियों को बहुत ही फायदा मिलेगा। वहीं जब कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पिछले 15 साल से हम कच्चे कर्मचारियों के तौर पर ठेकेदार के पास काम कर रहे थे और हर महीने तनख्वाह के लिए एक लंबी जंग लड़नी पड़ती थी। ठेकेदारों के पास ना ही कोई अन्य सुविधा मिलती थी। अब नगर परिषद द्वारा हमें पेरोल पर रख लिया गया है। वही गृह मंत्री अनिल विज भी सफाई कर्मचारियों को पेरोल सर्टिफिकेट देकर काफी खुश नजर आए। इस बारे में बताते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज अंबाला नगर परिषद के 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद के पेरोल पर रखा गया है। पहले ये कर्मचारी ठेकेदार द्वारा अपनी सेवाएं नगर परिषद को दे रहे थे और इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। अब इन्हें पेरोल पर रखने के बाद कई सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी। ने घोषणा की थी कि हम ये जितने कच्चे सफाई कर्मचारी हैं इनको ऑनरोल करेंगे, तो उसके तहत आज 42 कर्मचारियों को एनरोलमेंट लेटर दिया गया है और 113 का और देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये अब इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऑनरोल हो जाएंगे। अरे जारी कर रखे हैं आदेश, जहाँ जहाँ जितने जितने पोस्टें हैं और वहाँ उनके अगेंस्ट जो हैं, जो पहले ठेके पे रखते थे, अब ठेके पे ना रखकर उनको ऑनरोल किया जाए। नहीं, मैं ठेकेदारी के हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और हमेशा मैं इसके लिए पत्र व्यवहार भी करता रहा हूँ। धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है, उसमें जल्दी हो जाएंगे, पेपर्स तैयार हो गए। नहीं, अभी हमने सफाई कर्मचारी से ही बात घोषणा की थी कि हम ये जितने कच्चे सफाई कर्मचारी हैं इनको ऑनरोल करेंगे, तो उसके तहत आज 42 कर्मचारियों को एनरोलमेंट लेटर दिया गया है और 113 का और देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये अब इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऑनरोल हो जाएंगे। अरे जारी कर रखे हैं आदेश, जहाँ जहाँ जितने जितने पोस्टें हैं और वहाँ उनके अगेंस्ट जो हैं, जो पहले ठेके पे रखते थे, अब ठेके पे ना रखकर उनको ऑनरोल किया जाए। नहीं, मैं ठेकेदारी के हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और हमेशा मैं इसके लिए पत्र व्यवहार भी करता रहा हूँ। धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है, उसमें जल्दी हो जाएंगे, पेपर्स तैयार हो गए। नहीं, अभी हमने सफाई कर्मचारी से ही बात की। जगमाल सिंह सन ऑफ श्री बलदेवरा, जो कि अपने नगर परिषद में कार्यरत थे ठेकेदारों के माध्यम से काफ़ी टाइम से, आज हम मंत्री जी के यहाँ पे आवास पे आए, जिन्होंने नियुक्ति पत्र दिया और इतना साथ दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया, धन्यवाद करते हैं मंत्री जी का। इससे तनख्वाह के अंदर फ़ायदा होएगा जी, जो बढ़ोतरी है वो रुकी हुई थी, एक हमारी मेडिकल छुट्टियाँ वगैरह थी वो नहीं मिलती थी, तो ये सभी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं मंत्री। रेशु नाम है, यही कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती थी पहले, अब हमें छुट्टियां भी मिलेंगी और तनख्वाह भी कम थी, तनख्वाह भी पूरे टाइम पे मिलेगी, यही हम। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।